हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। और जहाँ तक कि जो मेहनत जो हमारे कार्यकर्ताओं ने की है, मतदाता तक पहुँचे हैं, और मतदाता इस भीषण गर्मी में और शादी के सीजन होने के बावजूद भी मतदान केंद्र में पहुँचे हैं, तो ये उपलब्धि है कार्यकर्ताओं की मेहनत की। और लोगों की सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र पे आस्था। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ ऑल ओवर? ये तीनों जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की सफलता मिलेगी। कल 3 सीट का चुनाव होगा, कांकेर, नांदगांव, महासमुंद। ये तीनों सीट और पिछले 19 तारीख का सीट मिलकर मैं चुनाव लड़ा बोल के नहीं, ये चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत चुका है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विजन दिया है और नरेंद्र मोदी साहब गारंटी की बात कर रहा है, हम 10 साल हो गए बहुत गारंटी कुछ भी नहीं दिखा। कुल मिलाकर मुझे ये बहुत स्पष्टता के साथ लगता है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत होगी। अन्य दो लोकसभाओं में कांकेर और महासमुंद में भी अच्छा मतदान है, लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है, भाजपा की जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के चुनाव के बाद वोटरों के इशारे पर। जी हां, आज का टॉपिक ही हमने रखा है समझो वोटर के इशारे। तो वोटर के इशारे क्या कुछ कहते हैं, देश में वोटर का मिजाज 2 चरणों के बाद नापा जा रहा है, भापा जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जिन 4 सीटों में चुनाव हुआ है वहां पर वोटर टर्नआउट क्या कहता है, वोटरों की उत्साह में जो वृद्धि देखी गई है उसका फायदा किसे होगा, क्या ये कोई फायदा है या किसी को नुकसान होगा, इसी पर आज सियासी चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विशेषज्ञ लेकर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि हम बता रहे हैं लगातार कि वोटर टर्नआउट छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, कई राज्यों में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि वोटर पिछली बार की तरह उत्साहित नहीं है, उदासीन हो गया है। और यही वजह है कि कहीं कहीं तो 10% तक की वोटरों के टर्नआउट में कमी आई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में वोटर टर्नआउट बढ़ा है, बस्तर में भी और दूसरे चरण की 3 सीटों में भी, ये क्या कुछ कहता है? एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले उज्जवल दीपक की ओर चलते हैं। उज्जवल दीपक जी, कुछ लोग आकलन लगाते हैं कि ज्यादा वोटिंग होना सत्ता पक्ष के लिए नुकसानदेह होता है। छत्तीसगढ़ में जो ये हमें जो जानकारी मिली है, बस्तर में करीब 1.5% अधिक वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में 3 सीटों में जहां भाजपा के सांसद थे वहां भी 2% से अधिक की वोटिंग हुई है। क्या ये घबराने वाली बात है, चिंता की बात है? भाजपा इसे कैसे लेती है? ये जहां पे ज्यादा वोटिंग हो रही है वहां पे भाजपा के प्रत्याशी ज्यादा लीड से जीतेंगे, जहां पे कम वोटिंग हो रही है वहां लीड का प्रतिशत थोड़ा कम होगा, सिर्फ इतना ही है। भाजपा का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाए। अमूमन जो सत्ताधारी पार्टी रहती है उसका यह प्रयास रहता है कि वोटिंग कम हो, पर भाजपा सत्ता में होते हुए भी केंद्र में भी और राज्य में भी हमने वोटिंग के लिए अभियान चलाया हुआ है। हमारे सारे संगठन के जितने अनुसांगिक संगठन हैं, जितने मोर्चा हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सारे मोर्चा डटे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए। अप्रैल का महीना है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ पारा भी लिखा हुआ था, कितना टेम्परेचर चल रहा है कौन से राज्य में। इतने ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और मोदी जी की गारंटी है। देखिएगा आप लीड देखिएगा बस कि कितने वोट से भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं। ये इनकम्बेंसी को भी तो दिखाता है कि भाई वोटर निकल कर वोट कर रहा है, कहीं सरकार के खिलाफ वोट तो नहीं जाएगा। प्रो इनकम्बेंसी है। आप याद कीजिए 15 साल की, जब हम 3 बार लगातार जीते थे, हमने एक वर्ड का याद किया था, प्रो इनकम्बेंसी, सरकार के साथ। जब लोग चाहते हैं कि हम आशीर्वाद दें, सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार ने विकास किया है, सरकार ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है, तो वो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देकर आते हैं।
चलिए कांग्रेस इसे मान के चल रही है कि ये सकारात्मक है, लेकिन हम बाकी प्रदेशों को लेकर अलग अलग जो आकलन आते हैं उसके बारे में भी उज्जवल दीपक जी से पूछेंगे, लेकिन कांग्रेस का पक्ष हम सुन लेते हैं। अभय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय राय जी, चार सीटों में चुनाव हुआ है, एक सीट आपके पाले में थी पिछली बार, वहां भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है पिछले बार से, और ये तीन सीट जहां दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं वहां भी वोट प्रतिशत अधिक है। कांग्रेस इसे कैसे लेती है, कितने इसका कुछ आकलन आप लोग ने क्या किया है ज्यादा वोटिंग का? लेकिन मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की है, मैं उनको सलाम करता हूँ। नक्सलवाद के सामने लोकतंत्र में विश्वास करते हुए लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। अब राजनीतिक दलों का अपना अपना अनुमान है, उज्जवल जी अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करेंगे, मैं अपने हिसाब से अपनी व्याख्या करूंगा, लेकिन जो कुछ रुझान दिख रहा है पूरे देश में, पहले चरण में भी दिखा और दूसरे चरण में भी दिख रहा है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि बस्तर हमारी सीट पहले भी थी, हमारी सीट आज भी रहेगी। दीपक भाई जी की जगह लखमा जी लड़ रहे हैं और लखमा जी को भारी लोकप्रियता वहां मिली है। जहां जहां लखमा जी गए हैं आपने बयान के माध्यम से, उनके बयानों चर्चा में रहे लेकिन उस माध्यम से उनका जन समर्थन दिखता रहा। कांकेर हम बहुत कम वोटों से हारे थे, जब मोदी जी की लहर थी, जब पुलवामा की बात हुई थी, दुनिया देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात चली, तो भी हम 6,000-6,500 वोटों से पीछे थे, और पुनः विनय ठाकुर जी प्रत्याशी बने, उनको 35 वोट भी मिलेगा, और भाजपा के वर्तमान सांसद का टिकट काटा गया। इसका मतलब था कि भाजपा जान रही थी कि इंटिंगेंसी है, उनके खिलाफ माहौल है, ये स्वीकार करके उनको टिकट बदले। वही चीजें महासमुंद में हुई, आपने वहां भी टिकट परिवर्तन किया, आपको आभास था भाजपा को वहां भी इंटिंगेंसी है, और हमारा बड़ा चेहरा, साहू समाज का बड़ा चेहरा, ओबीसी का बड़ा चेहरा, छत्तीसगढ़ का बड़ा चेहरा ताम्रधर साहू जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और राजनांदगांव तो हमारे स्टार प्रचारक, हमारे मुख्यमंत्री जिनके नाम से दूसरे प्रदेशों में भी सरकार बनी, हिमाचल उसका उदाहरण है। ठीक है, इस सच्चाई को भी हम स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन्हीं कारणों से, कुछ विधायकों के कारण, कुछ मंत्रियों के कारण, कुछ और कोई भी धीरे धीरे कारण बने, और हम सारा प्रयास करके, सारे अच्छे काम करके, हमारी योजनाएं जो आज भी जनता याद कर रही है, हम चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन अब जब वही चेहरा राजनांदगांव में सांसद के रूप में उतरे, तो संतोष पांडे की असफलता, उनकी निष्क्रियता, उपेश भाई बहन के प्रति लगाव, कका के प्रति लगाव, और जो 5 साल के उनके काम थे, जब वो गिनाते थे गांव में जाकर और लोग बोलने लग गए थे कि बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, साय साय बंद हो गया, राशन कार्ड से चावल गायब हो गया, 5 किलो एक व्यक्ति, जहां हम 35 किलो देते थे वहां 15 किलो और 25 किलो में आ गए, ये सब चीजों के प्रति जो लगाव दिखा, तो मैं कह सकता हूं कि चारों के चारों सीटों पर कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना है, और आने वाले 7 तारीख के चुनाव में इनका असर उधर भी देखने को मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि जो ज्यादा वोटिंग हुई है, जनता ने 10 साल की असफल सरकार को, महंगाई, बेरोजगारी, नारी का अपमान, लोकतंत्र, संविधान की चुनौती, तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर जाकर वोट दिया है। मैं दंग था जब 70-75 साल का व्यक्ति कवर्धा के गांव में जब गया और उसने संविधान की बात की कि बाबू अब तो आरक्षण नहीं बाँचे, बाबू अब तो संविधान नहीं बाँचे, तो मुझे लगा कि कांग्रेस के मुद्दे जनता तक पहुंच गए हैं, और ये देश का चुनाव बहुत बिगड़ परिस्थितियों का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है। ठीक है, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, संविधान रहेगा कि नहीं, चलिए दोनों ओर से दावे हमने सुन लिए कांग्रेस और भाजपा के। ज्यादा वोटिंग को लेकर कांग्रेस भी ये आकलन कर रही है कि मुद्दों के आधार पर उन्हें समर्थन मिला होगा और इसलिए ज्यादा वोटिंग हुई है। अनिल द्विवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं, वो कई चुनाव को बारीक नजर से करीब से देख चुके हैं। अनिल जी, आपका क्या आकलन है, वोटिंग के अंतिम प्रतिशत जो आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के वोटर ने उत्साह दिखाया है और वोटिंग ज्यादा हुई है पिछली बार से? पिछली बार राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद की वोटिंग से भी ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है, क्या लगता है, क्या कारण होगा और ये किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए मोहन जी, बस्तर की, छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए हैं,
और 2019 के मुकाबले यदि हम देखें तो 4-5% की पोलिंग कम हुई है। चुनाव आयोग का शायद अधिकृत आंकड़ा आ गया होगा कि कल जो 3 सीटों पर चुनाव हुए उसमें शायद 75% तक पोलिंग हुई है। 75% ये पोलिंग, ये परसेंटेज भी काफी आशाजनक प्रतिशत है, क्योंकि आप देखिए कि ये वो देश है जहां लोकसभा सीटें लोग एक वोट से भी हार जाते हैं। तब 5% की पोलिंग, मतदान कम होना कोई राजनीतिक दलों के लिए दिल की धुकधुकी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि यही राज्य था जब हमने कई लोकसभा सीटों पर 40-42% तक मतदान देखा था, और आज यदि वो आकर के 75-70% पे खत्म हो रहा है तो ये तय मानिए कि ये 20-22% की उछाल है। तो इससे ये साबित होता है कि जो आम मतदाता है उसका लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति पर भरोसा बढ़ा है, राजनीतिक दलों की जो कार्य प्रणाली है, सुशासन प्रणाली, उस पर कहीं ना कहीं विश्वास जमा है, और वो अब ये फर्क महसूस कर रहा है। जिस तरह साक्षरता बढ़ी है, उसका प्रतिशत बढ़ा है, लोगों को मतदान की समझ आई है, चुनाव प्रचार की स्ट्रेटजी बदली राजनीतिक दलों ने, उसका ये नतीजा है कि लोग अब वोट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। 5% की पोलिंग, मुझे लग रहा है कि 6% की पोलिंग राजनांदगांव में कम हुई है। तब ऐसे में अगर 6% की पोलिंग कम हुई राजनांदगांव में तो स्वाभाविक है भूपेश बघेल और संतोष पांडे की चिंताएं उठना स्वाभाविक है। तो लेकिन ये प्रतिशत क्यों कम हुआ, जैसा कि आपने कहा कि इसके कारण क्या क्या रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। गर्मी, उज्जवल भाई ने बताया कि गर्मी एक बड़ा कारण थी कि कितने तरीके का पारा जगा हुआ था और लोग वोट देने निकले नहीं है। इसी तरह नक्सली इलाकों में नक्सलियों की धमकी का बड़ा असर हुआ। एक गांव में तो 680 मतदाता थे, वहां सिर्फ 16 वोट पड़े। क्यों नहीं, क्योंकि वो नक्सल मस्ट एरिया है, वहां वो निकले नहीं डर के धमकी के मारे। लेकिन बहुत से ऐसे कांकेर की 4 तहसीलें तो ऐसी थी जो माओइस्ट प्रभावित थी, वहां मार्क्सवादियों का कब्जा है, उसके बाद भी वहां पर वोटिंग हुई और मुझे लग रहा है कि 55-60% तक की पोलिंग हुई वहां पर। आदिवासियों ने बंदूक बनाम बैलेट, बंदूक बनाम जो है बटन, इसका जवाब उन्होंने दिया है कि हमें शांति और विकास चाहिए और इसके लिए हम वोट करने के लिए निकले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आशावाद है। राजनीतिक विश्लेषण में देखें तो ये ज्यादा वोटिंग क्या सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाती है या यहाँ पर जो ट्रेंड रहा है नुकसान भी हो सकता है, कुछ ऐसा आकलन है क्या? लेकिन आप जो थ्योरी कह रहे हैं वो थ्योरी पिछले साल कई सालों में जो चुनाव हुए उसके जो परिणाम उस पर केंद्रित है कि अगर कम पोलिंग होती है तो सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है, लेकिन यदि ज्यादा पोलिंग हो जाती है तो वो विपक्ष के खाते में जाती है। लेकिन आप देखिए कि मुझे पिछले कई चुनाव आप देख लिए, विधानसभा चुनाव की कई सीटों के रिजल्ट आप देख लीजिए, जहां पर पोलिंग कम हुई है वहां भाजपा विधायक 20-25 हजार वोटों से जीते हैं और कांग्रेस के में भी इसी तरह का रिजल्ट मिला है। तो जो उज्ज्वल ने भी बात कही, मेरा भी मानना है कि 4-5% की पोलिंग में लोकसभा चुनाव जहां पर कि 3.5-4 लाख वोटरों से फैसले हो रहे हैं, ये मोदी की गारंटी का असर कह लीजिए, उनके प्रभाव का असर कह लीजिए, कांग्रेस की कमजोरी का असर कह लीजिए, क्योंकि मुद्दे उतने अच्छे से नहीं उठा पा रही है जिसके चलते बीजेपी हावी हो रही है, और इसलिए मोदी की गारंटी है कि आज चुनाव के नतीजे 4-5 लाख वोटों से ज्यादा जा रहे हैं, लोग जीत रहे हैं। तो 5% की कम पोलिंग का होना दोनों दलों को नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ में शहरी इलाके जो हैं वहां पर हो सकता है कम वोटिंग हुई हो, लेकिन ओवरऑल लोकसभा के हिसाब से ज्यादा वोटिंग हुई है। उज्ज्वल दीपक जी के पास चलते हैं। हिंदी पट्टी की अगर पूरी बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उसमें जोड़ लें, तो बाकी प्रदेशों में तो वोटिंग कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन इसमें भी जो प्रमुख शहर है, जो राजधानी स्तर के हैं या कहें प्रमुख महानगर के स्तर के हैं, वहां पर वोटिंग कम हो रही है, गांव में ज्यादा वोटिंग हो रही है। उज्ज्वल जी, ये क्या माने, भाजपा इसको कैसे आंकती है, आपके वोटरों का नुकसान, गांवों के वोटरों का में ज्यादा वोटिंग, विपक्ष को फायदा? देखिए, इंग्लिश में कहावत है, बैड गवर्नमेंट्स आर चूजन बाय गुड पीपल हु डू नॉट गो टू वोट। बुरी सरकारें अच्छे व्यक्ति द्वारा चुनी जाती हैं जो वोट करने नहीं जाते। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उससे ग्रामीण ही नहीं शहरी जो मतदाता है वो भी लाभान्वित हुआ है, लेकिन ग्रामीण मतदाता ज्यादा जागरूक है और ये वोटों की संख्या हमको बता रही है। ग्रामों में जहाँ पे वोटिंग एक पर्व की तरह, एक लोकतंत्र के महापर्व की तरह मनाया जा रहा है, ये पिछले कई दशकों से हम देखते आ रहे हैं, जबकि शहरों में लोग इसको एक छुट्टी के रूप में, आनंद के रूप में, घर परिवार वालों से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए और आसपास के जगहों पर जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये अत्यंत ही निराशाजनक है।
चुनाव आयोग द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कुछ रेस्टोरेंट द्वारा, इवन आप देखेंगे अखबारों में मैं पढ़ रहा था कि रायपुर के कुछ बड़े होटल चेन्स द्वारा ये स्कीम लाई गई, योजना लाई गई है कि आप वोट करने जाते हैं और आप वोट की उंगली वाला जो स्याही दिखाते हैं तो उनको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा, 3% पे 1% का बुफे जो है वो फ्री है, कुछ ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो वोटिंग बढ़ाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। कल ही मेरिन ड्राइव पे एक फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें विकलांगों ने पार्टिसिपेट किया, दिव्यांगों ने पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। एक महिला जो है वो शायद जापान या बर्लिन से कहीं से आई हुई है सिर्फ वोट डालने के लिए। मैं एक बार में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने वोट डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो देखिए ये जागरूकता का मामला है, सिविक सेंस का मामला है और शहरी वोटर्स को कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। थोड़ी गर्मी जरूर है, पसीना निकल रहा है, पर आशीर्वाद देना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को दें, विकास के नाम पे दें, राष्ट्र हित के नाम पे दें और डेवलपमेंट के नाम पे दें, पर वोटिंग में उनका अधिकार, उनका कर्तव्य है। सियासी नजरिए से देखें तो क्या शहरी वोटरों का कम निकलना बीजेपी अपने लिए नुकसान मानती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना कि जहां पे ज्यादा वोटिंग हो रही है हम ज्यादा लीड से जीतेंगे, जहां पे कम वोटिंग हो रही है तो लीड का हमारा प्रतिशत थोड़ा कम होगा, लेकिन जीतेंगे जरूर। बिल्कुल चलिए, अब अभय जी, वोटिंग जो है वो एक हताशा भी दिखाती है, कहीं ऐसा तो नहीं जो पूरे देश में एक माहौल सा क्रिएट हो गया है और एक विज्ञापनों का, एक सभाओं का प्रेशर जो बना है उससे बीजेपी अब दिख रही है, इसलिए आपके कार्यकर्ताओं में उदासीन, वोटरों में उदासीनता है, ये तो कहीं कारण नहीं है कि वोटिंग कम हो रही है? पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। मोहन जी, उज्जवल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि राजनीतिक दलों के प्रयास से वोटिंग बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं और निर्दलीय, अगर कोई तगड़ा तीसरी पार्टी भी लड़ती है तो जहां भी देखिएगा त्रिकोणीय संघर्ष होता है वहां वोटिंग बढ़ता है। जहां पे सामने सामने है, जहां भाजपा एक कितना बड़ा एजेंडा 400 पार संसद में होगा कि पेट्रोल की कीमत में होगा वो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन एक बड़ा एजेंडा लेके चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक बड़ा एजेंडा लेके कि हमको इस सरकार को हटाना है, तो कब हटेगी? जब मतदाता बूथ तक जाएगा तो मतदाता को पहुंचाने का काम राजनीतिक दल ईमानदारी से करे, निश्चित रूप से मतदान बढ़ता है। दूसरा, मैंने एक अनुभव किया है दो चुनावों से, करीब 10 सालों से, जो हमारे चुनाव अधिकारी आईएएस हैं उनके अंदर होड़ लगी रहती है, मेरे लोकसभा जाकर मैं आरो हूं वहां पड़ जाए तो अच्छा चावल बांटना, लोगों को निमंत्रण देना। तो मैंने ये अनुभव किया मोहन जी की जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो बड़े उत्सुकता से वोट देने जा रहे हैं, पहले वोटर जाते नहीं, उनको नाम मिलवाने का भी पता नहीं रहता था, बहुत मुश्किल से नाम मिलवाने के लिए तैयार होते थे, हमको क्या करना है, हम तो नौकरी में। लेकिन ये चीजें पड़ी है, 26 अप्रैल को शादियां थी, भयानक शादियां थी, दुल्हा दुल्हन जोड़े में जाके वोट डाल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो अलग बात है कि हमारा लोकतंत्र हैंग होते जा रहा है, हमको लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता आज पड़ रही है। 10 साल में संविधान और लोकतंत्र के प्रति हमको लोगों को बताना पड़ रहा है कि अब लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, पहले जनसंघ फिर भाजपा और अब मोदी की गारंटी, अब तो भाजपा की गारंटी भी समाप्त हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को दोष नहीं दे सकते, वो तो बोलेगा मोदी गारंटी दिया तो नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। ये जो स्थितियां पैदा हुई है लोकतंत्र के लिए घातक है। जिस परिवारवाद की, व्यक्तिवाद की कांग्रेस पे और गठबंधन पे आरोप लगाते हैं वो पार्टी खुद व्यक्तिवाद में घिरती जा रही है, मोदी नहीं तो भाजपा नहीं और भाजपा नहीं तो देश नहीं, इस प्रकार की परिभाषा दे रहे हैं लोग। आज का 2024 का चुनाव मोहन जी छत्तीसगढ़ में भी और विदेश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है और खुल के लड़ाई है, एक तरफ 10 साल की सरकार को हटाने की, लोकतंत्र की सरकार को स्थापित करने की, और जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय नड्डा जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, केवल और केवल गैर मुद्दों पे बात करते हैं जिसका विकास से कोई संबंध नहीं होगा, केवल और केवल उन मुद्दों पे बात करते हैं जिससे धार्मिक और जातिगत बातें प्रकट होती है। वही कांग्रेस केवल और केवल गरीब, मजदूर, महिला के न्याय और मुद्दे की बात कर रही है। मैं तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, जनता जनार्दन रिजल्ट देगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, हम और आप फिर बैठेंगे, उज्जवल जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से 2024 में इस देश की तकदीर बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा है
18 में हम 68 सीट के साथ आए, हमारी सरकार बनी और 3 महीने में 9 तो हो गया, 9 भाजपा के आ गए, रोहन सिंह को ट्वीट किया। यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनता है। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं उस 19 के रिजल्ट को जनता दोहराएगी और 2-3 भाजपा पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस हर सीट पर बहुत अच्छा प्रत्याशी दी है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशियों को लेकर जनता में उत्साह है, हमारे मुद्दों को लेकर जनता में लड़ा है। ठीक है उज्जवल जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये प्रत्याशी बेस्ड चुनाव हो, इसकी कोशिश कांग्रेस ने बार बार की और प्रत्याशियों के बड़े कद के लोगों को उतारा मैदान में, इसका फायदा मिल रहा है ऐसे भी दावे कांग्रेस की ओर से किए गए। भूपेश बघेल है, दामोदर साहू है, पिछली बार बीरेश ठाकुर लड़े थे तो वो भी 5,000 से आ रहे थे, तो वो भी एक 5 साल मेहनत किए हुए व्यक्ति हैं, तो प्रत्याशियों की मेहनत तो कहीं आप लोग पर भारी नहीं पड़ जाएगी? बहुत अच्छी बात की राय जी ने और साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि 19 के परिणाम दोहराए जाएंगे, अब दोहराएंगे तो 9 और 2 तो मिनिमम हो रहा है। दूसरी उन्होंने बात की प्रत्याशी, देखिए आपको याद होगा बस्तर में 4 महीने पहले हमारे मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हराया है। रविंद्र चौबे जी को एक आम व्यक्ति ने, ईश्वर साहू जी जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं थे चुनाव लड़ने के पहले, चुनाव के पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से हराया। उसी तरह कई उदाहरण आपको मिलेंगे जब कांग्रेस के बड़े बड़े जो मठाधीश जी थे, जो बड़े नेता थे, वो चुनाव हार गए। टीएस सिंहदेव जी 100 वोट से चुनाव हार गए। आप सोचिए 3 बार रिकाउंटिंग के बाद राजेश अग्रवाल जी सामान्य से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे तमाम जगह आप देखेंगे कि भाजपा के छोटे कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े लोगों को हराया है। बिल्कुल, तो प्रत्याशी और ये जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो पार्टियां लड़ती हैं, ऐसा अमूमन देखा जाता है। और ये चुनाव मोदी जी के ऊपर देश की प्रगति, देश के विकास और अब की बार 400 पार के नारे के साथ भाजपा लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का कमल जो निशान है वो प्रत्याशी है और इसी कारण पूरे प्रदेश में लहर है और 11 की 11 सीटें भगवान राम को हम कमल के रूप में चढ़ाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के ननिहाल थे, प्रधानमंत्री श्री मोदी को हम उपहार स्वरूप नहीं, इतने अच्छे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग ज्यादा, बाकी जगह क्यों नहीं हो पा रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश खासतौर पर हम चौंक रहे हैं कि बहुत कम वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र में कम वोटिंग हुई है। देखिए ये सब होने के बावजूद कम वोटिंग, मुझे लगता है कि पिछले जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, छत्तीसगढ़ राज्य राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हुआ है और इसका जो कारण है वो ये कि लोगों ने विकास देखा है, लोगों ने डेवलपमेंट होते देखा है, लोगों ने अपने जिंदगी में परिवर्तन होते हुए देखा है। पिछले 20 सालों में सरकार चाहे किसी की भी पार्टी रहो, हर सरकार ने कुछ ना कुछ अलग किया। 15 साल हमारी सरकार थी, हमने बहुत सारी योजना लाई। अजीत जोगी जी की सरकार थी, उन्होंने एक बड़ा स्टेट को फॉर्मेशन का काम किया। तो लोगों ने राज्य बनने के बाद सरकार के कार्यों को आमने सामने से देखा। मध्य प्रदेश जब हम पार्ट थे तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वंचित पिछड़े हुए इग्नोर किए जाते थे हम सरकार द्वारा, पर राज्य बनने के बाद वोटिंग के प्रति, राजनीति के प्रति, सरकार के प्रति, पार्टियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में 500-600 दावेदार होते हैं, पार्षद चुनाव से लेकर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, विधायक, सांसद में लोगों की प्रतिभागिता बढ़ी है, खासतौर से महिलाओं की। ठीक है अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, ओवरऑल सियासी नजरिए से इस पूरे चीजों को समझने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ में जिन 4 सीटों में चुनाव हुआ उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, देश में बाकी जगह कम हुआ है, उदासीनता बाकी जगह आ रही है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा जागरूकता आ रही है, कैसे देखें इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो? देखिए मोहन, मुझे अभी एक कार्टून याद आ रहा था, वो नेशनल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा था उसको, उसका जो हिंदी वर्जन है कार्टून का वो ये था कि एक नेता बहुत जोर से नारा लगा रहा है कि अब की बार, तो मतदाता बड़ा बोझिल होकर कह रहा है मूड नहीं है यार। तो कार्टून जरूर था लेकिन ये कहीं न कहीं एक दर्द था उस वर्ग का जो छला गया है, सरकारों के द्वारा छला गया है, इसमें कोई इसमें दल विशेष की समृद्धता नहीं हो सकती, लेकिन लोग निराश होते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए मनमोहन सरकार ने भी 10 साल राज किया था, एंडिंग कम्बेंसी आई और उसके बाद उसको विदा होना पड़ा था। तो मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनकी कमियां नहीं होंगी, कांग्रेस उसको उजागर नहीं कर पा रही है या उसको भुना नहीं पा रही है या उसकी स्ट्रेटजी उस हिसाब से नहीं है, वो एक अलग इश्यू हो सकता है।
लेकिन जनता के बीच तो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार को भी लेकर के है, चाहे वो बढ़ी हुई महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो कुछ और निकल रहे हैं, लेकिन लोग तो अगर इसी गुस्से के मारे, हो सकता है ये गुस्सा मन में होगा, अगर 75% लोग निकल रहे हैं और 25 लोग नहीं निकल रहे हैं या 60 बनाम 40 का रेशियो आ रहा है, तो उनकी निराशा कांग्रेस से तो जरूरत से ज्यादा रही होगी, बीजेपी से भी कुछ नाराजगी रही होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जहां जनता को लगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्या साथ, तो सामने विकल्प बड़ा नहीं है, इस वजह से भी उदासीनता आई है क्या? बिल्कुल है। और मैं एक बात और कहूं, क्या 100% मतदाता पूरे के पूरे राम मंदिर का सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनमें से बहुत से लोग मस्जिद वाले हो रहे होंगे, हो सकता है वो वोट देने नहीं निकले हों। लेकिन जो आपने मुद्दे की बात बताई कि इस चुनाव में तीन प्रमुख चीजें चल रही हैं, नारा, नीति और नेतृत्व, इन तीनों के मामले में कांग्रेस 19 ही है। और आप बीजेपी की स्ट्रेटजी देखिए, इतना परसेंट पोलिंग होने के पीछे बीजेपी की एक वो स्ट्रेटजी भी है जिसमें उसने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरे एक बूथ 10 जवान। बीजेपी ने यह स्ट्रेटजी 2 साल पहले से बनाना शुरू कर दी थी। क्या कांग्रेस ने स्ट्रेटजी पे काम किया? और किया तो क्या ईमानदारी पूर्वक वो अपने मतदाता को बाहर निकाल पाई? खुद उसके मतदाता जो कांग्रेस के थे वो कहीं ना कहीं छिटक करके दूर जा चुके हैं ऐसी पॉलिसी के चलते। मैं कांग्रेस की जरूरत से ज्यादा आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईना दिखाने का काम तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे करना पड़ेगा, और यही कारण रहा कि पोलिंग प्रतिशत कम हुआ है। ठीक है, अभय जी, कहीं तैयारी में कमी रह गई? क्योंकि शिफ्ट तो आपने प्रत्याशी कर दिए, दामोदर साहू लड़ने चले गए महासमुंद, लेकिन उनकी टीम नहीं, उनके बूथ नहीं, उनकी कोई तैयारी नहीं, अचानक से 15 दिन में चुनाव लड़ना। भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के नेता जरूर होंगे, पर उनकी उस टाइप से राजनांदगांव के हिसाब से तैयारी नहीं थी, 15 दिन में तैयारी कर ली। ऐसे में जो फाइट दिखनी चाहिए वो दिखी नहीं, इसलिए वोटर उदास है। आपकी ओर से भी वोटर कम निकला होगा तो आपको नुकसान होगा। मोहन भैया, कोई कमी प्रत्याशियों के अंदर नहीं थी। भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भूपेश बघेल जी संगठन भी समझते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता भी समझते हैं, और मुख्यमंत्री रहकर 90 के 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात में डायरेक्ट संवाद किया था, जिनका फायदा उनको मिला। दामोदर साहू जी वही व्यक्ति है, जब एक सीट कांग्रेस जीती तब सरोज पांडे जैसे नेता को दुर्ग में हराया था, उनके घर में हराया था। तो ये अनुभवी लोग हैं, इनको चुनाव मालूम है, चुनाव का मनोविज्ञान मालूम। रही बात कांग्रेस की तैयारी की, आप सोचिए संक्रमण काल को ईडी, आईटी, सीबीआई, खाते सीज, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच, भूपेश बघेल की गाड़ियों की जांच, क्या भाजपा प्रत्याशियों गाड़ियों की जांच हो रही है? आज बिलासपुर में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की आई थी, छत्तीसगढ़ भवन में गए, उनको वाशरूम का उपयोग करने नहीं दिया गया। इन सब चीजों के भीतर हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बूथ में डट के खड़ा है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। मैं तो सलाम करता हूँ कि कांग्रेस आज पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है तारा साहब के खिलाफ। ठीक है, चलिए सर, गुंडागर्दी का आतंकवाद, क्या क्या नाम तुम्हें? मैं इस डिबेट को उधर छोड़ना नहीं चाहता था। डिबेट आज हो रही है परिणाम पे, डिबेट हो रही है वोटिंग पे, लेकिन जिन परिस्थितियों में कांग्रेस लड़ रही है, अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को हमने यहाँ चक्का छुड़ाया था, आज वही आजादी की लड़ाई कांग्रेस लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए फिर लड़ रही है। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव हर 5 साल में आएंगे, लेकिन देश बचेगा तब आएंगे, लोकतंत्र बचेगा तब आएंगे, संविधान बचेगा तब आएंगे। चलिए, और ये जनता को तय करने दीजिए कि जनता किसे जिताएगी, और वोटरों से ज्यादा से ज्यादा आप भी अपील करिए, उज्जवल जी भी अपील करेंगे, अनिल जी भी अपील करेंगे कि निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। समय कम है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, तैयारियां दोनों पार्टियों की है, वोटरों को बस आपको समझाना है ताकि वोटर ज्यादा से ज्यादा निकले, और यही हमारे डिबेट का भी मूल मकसद है कि वोटरों के इशारे को समझते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में शामिल करने के लिए जोड़ना है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में उज्जवल दीपक जी जुड़े, उनका धन्यवाद, अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद, अभय राय जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।